जय श्रीराम दोस्तों, स्वागत है सी लैंग्वेज की नई वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि विजुअल स्टूडियो को किस तरह से यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज के लिए और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पर जहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 लिखा है, हम इसके ऊपर टाइप करेंगे। यहाँ पर खुल रहा है, देखिए इसका सेटअप टूर है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट का, या स्किप दिस फॉर नाउ। तो आप अगर यहाँ पे साइन इन करना चाहते हैं, मैं पे साइन इन कर सकते हैं, मैं स्किप दिस फॉर नाउ करता हूँ। फिर इसके अंदर ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपको इसके अंदर क्या करना है। डेवलपमेंट सेटिंग के अंदर ऑप्शन है जनरल, जावा स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक, सी हैश, विजुअल सी प्लस प्लस, वेब डेवलपमेंट कोड ओनली। तो मैं इसको जनरल रहने देता हूँ। और जो यहाँ पे कलर थीम आ रही है वो आप अपनी मर्जी से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डार्क यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट विजुअल स्टूडियो पर टैप कर देता हूँ। तो इस तरह का कुछ पेज खुल के आएगा। तो इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट लर्निंग, क्लोन और रिपोजिटरी, या फिर ओपन अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन, ओपन अ लोकल फोल्डर, या क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर जाता हूँ। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट लेना है। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सी ऑल लैंग्वेज के अंदर मैं सी प्लस प्लस को चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आया है एम्प्टी प्रोजेक्ट का, एक आया है कंसोल ऐप का, मतलब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आए हैं। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो ऊपर के मेन दो जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, एम्प्टी प्रोजेक्ट और कंसोल ऐप। तो मैं कंसोल ऐप पर टैप कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर टैप करेंगे। फिर यहाँ पर हमको कोई सा भी नाम देना प्रोजेक्ट का, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। मैंने ये वाला नाम दिया, आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नेम है, लोकेशन आप कोई से भी लिख सकते हैं इसके अंदर, आपकी मर्ज़ी। आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 3 डॉट पर जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नेम भी है, सॉल्यूशन नेम का मतलब है अ सॉल्यूशन इज़ अ कंटेनर फॉर वन और मोर प्रोजेक्ट्स इन विजुअल स्टूडियो, ठीक है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, मैं इसका नाम सेम रखना चाहता हूँ। प्लेस अ सॉल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, मैं इस पर टिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको टिक करने के बाद फिर यहाँ पर क्रिएट पर टैप करता हूँ। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब देखो इसके अंदर ये पेज है, सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट बना है, ठीक है। ये देखो इसका जो एक्सटेंशन है फाइल का, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोडिंग डायलेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन सी डॉट सी पी पी, सी पी पी मतलब सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखो जो सी प्लस प्लस का प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या रहा है, कोडिंग डायलेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन सी डॉट सी प्लस, सी पी पी का मतलब होता है सी प्लस प्लस, ठीक है। ये मेन फंक्शन है और ये एंड्स देयर, ठीक है। तो इसके अंदर वन, तो हमारा जो कोडिंग डायलेक्ट का प्रोजेक्ट है यहाँ पे बन गया है। तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू, ये इसके अंदर नए फीचर आए हैं जो कल अपडेट करा था। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं एक साइड में आइकन आएगा उसके ऊपर टैप करके आप देख सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने कल इसको अपडेट करा था, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना सिखाया था, ठीक है। तो व्हाट्स न्यू है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं फाइल, इसके अंदर एक फाइल फोल्डर होता है ये, इसके अंदर हम न्यू ओपन, ये जब हम यूज़ करेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। फाइल है, एडिट है, व्यू है, गिट है, गिट की भी एक सीरीज़ आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गिट का क्या यूज़ होता है। ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट को देखेंगे। इसके अंदर अगर हमको कोई चीज़ को ऐड करना होगा तो एक बिल्ड है, बिल्ड के अंदर हम बिल्ड सॉल्यूशन है, रीबिल्ड सॉल्यूशन है, क्लीन सॉल्यूशन है, बिल्ड फुल प्रोग्राम है, ये रन कोड एनालिसिस ऑन सॉल्यूशन है, ये भी हम जब कोड को रन करके देखेंगे तब इसको यूज़ करेंगे। एक डीबग है, इसको भी हम तभी यूज़ करेंगे। इसके अंदर विंडोज़ ग्राफिक्स, स्टार्ट डीबगिंग, स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, ये सब ऑप्शंस हैं। इसको हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे इसको सीखते चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो सी प्लस प्लस की फ़ाइल है इसको हम क्या करेंगे, इस पर सोर्स फाइल पर जाएंगे। सोर्स फाइल पर देखिए ये हमारी फ़ाइल है, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रहा है कि चूज़ रिमूव टू रिमूव कोडिंग डायलेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। तो अब हम इसको रिमूव करें या डिलीट करें, तो हम इसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो अब हम सोर्स फाइल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर न्यू आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम, न्यू आइटम पर जाएंगे। न्यू आइटम पर जाने के बाद यहाँ पर सी प्लस प्लस फाइल डॉट सी पी पी है या हेडर फाइल है, तो हमको इनमें से कुछ नहीं करना। जो हमारा सोर्स डॉट सी पी पी है उस पर हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे
फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ, इसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट सी कर देंगे तो हमारे यानी कि हमारा सी एक्सटेंशन में फाइल सेव हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी, आप इसको कहीं पे भी लोकेशन दे सकते हैं ब्राउज़ पर टैप करके। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। ये ऐड करने के बाद हमारा सी प्रोजेक्ट का फोल्डर यहाँ पे बन गया। ये देखिए हमारा सी प्रोजेक्ट का फोल्डर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड std.h, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट मेन, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, तो ये हमारा प्रोग्राम बना है। इसके अंदर हमने हैश इंक्लूड std.h, फिर हमने इंट मेन लिया और हमने फिर प्रिंट एफ हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल लिखा, फिर हमने रिटर्न जीरो कराया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे बिल्ड के अंदर। बिल्ड के अंदर जाने के बाद हम इसको देखेंगे, बिल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नीचे हमने देख लिया इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम डीबग के अंदर जाएंगे, फिर हम देखेंगे स्टार्ट विदाउट डीबगिंग पे जाएंगे। तो फिर ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा प्रिंट आ गया हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक है। तो अब हम जो हमारा पहला प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के अंदर वो बन चुका है, ठीक है। अब हम इसके बाद लगाएंगे, अब हम नीचे एक और चीज़ लिखते हैं प्रिंट एफ। तो हमने अब एक और लाइन लिखी सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम इसको दोबारा से बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड में जाने के बिल्ड सॉल्यूशन करेंगे तो इसके अंदर कोई एरर नहीं आया। फिर हम डीबग पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, तो देखो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने दो प्रिंट एफ लगाए थे और हमारा एक ही लाइन के अंदर पूरा का पूरा आ गया। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो देखो हमने जब यहाँ पे हमने स्लैश एन लगाया तो हमारे पे यहाँ पे लिखा गया हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और स्लैश एन लगाने के बाद न्यू लाइन के अंदर लिखा गया सब्सक्राइब माय चैनल। अगर हम ये स्लैश एन एन को हटा देते हैं और इसके बाद हम डीबग पे जाके स्टार्ट विदाउट डीबगिंग करते हैं, विदाउट डीबगिंग करेंगे तो देखो एक ही लाइन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे और फिर वहाँ पर हम जाएंगे डीबग के अंदर और स्टार्ट विदाउट डीबगिंग कर देंगे तो ये न्यू लाइन के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, मतलब अगर हमको इसके नीचे कोई और चीज़ को प्रिंट करवाना है तो उसको अगर हम न्यू लाइन में दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्लैश एन को लिख देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमने किस तरीके से इसका सेटअप करा, विजुअल स्टूडियो का किस तरीके से हमने सेटअप करा। फिर उसके बाद हमने इसमें सी प्लस प्लस पर प्रोग्राम बनाया, हमने सी प्लस प्लस पर प्रोजेक्ट बनाया। फिर सी प्लस प्लस पर प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम सोर्स फाइल पे गए, सोर्स फाइल पे जाने के बाद हमने फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद हमने राइट क्लिक करके उसको डिलीट करा। फिर हमने सोर्स फाइल पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाके हमने न्यू आइटम पे जाके हमने एक्सटेंशन चेंज करके .cpp की जगह .c करके अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा। फिर हमने यहाँ पे इंक्लूड stdio.h करा, जो stdio.h यूज़ इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर हमने इंट मेन का यूज़ करा, फिर हमने इंट मेन के बाद प्रिंट एफ का यूज़ करा और फिर प्रिंट एफ का हमने बताया कि स्लैश एन से न्यू लाइन किस तरीके से आती है। फिर हमने इसमें बिल्ड पे जाके हमने बिल्ड सॉल्यूशन करा, बिल्ड सॉल्यूशन पे जाने के बाद हमने तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। फिर हम डीबग पे गए, डीबग पे जाने के बाद हमने स्टार्ट विदाउट डीबगिंग करी तो फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो गया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।